इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना आलमी वबा को लेकर आज भी हुकूमत की जानिब से सख्ती बरकरार है, लिहाजा बेलगाम शहर और अतराब में पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब भी 200 के करीब पाई जा रही है। हुकूमत ने यह भी फरमान जारी किया है कि अगर किसी में कोरोना के असरात नजर आ रहे हैं और उसने कोरोना टेस्ट नहीं किया हुआ है तो इसे कानूनी तौर पर सजा दी जाएगी। मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी लिया जा रहा है। वजीर आला येडियुरप्पा ने यह भी कहा है कि मास्क पर जुर्माना हुकूमत की तिजोरी भरने के लिए नहीं है बल्कि बीमारी को किसी तरह काबू में पाया जाए, ये एक मकसद है जिसके तहत सख्तियां बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मौतों के आंकड़ों को 1% पर लाने की कोशिश जारी है, अब कारोबार भी कुछ हद तक बेहतर रफ्तार लेने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीनों से बस के पहिए थमे हुए थे जिसमें बेलगाम बस डेपो को तकरीबन 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब सबसे ज्यादा कोई मौजू जेर बहस है तो वो है क्या स्कूलों को शुरू किया जाएगा। अगर स्कूलों के बारे में भी जायजा लिया जाए तो कई सारी नर्सरी से लेकर 10वीं तक निजी स्कूलों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निजी स्कूलों के अखराजात इन्हीं बच्चों की फीस से अदा होते हैं, लिहाजा स्कूलों को बंद करने से टीचर्स असातिज़ाओं की तनख्वाह का भी मसला खड़ा हुआ है। स्कूलों से अब स्टाफ को भी घटाने का काम जारी है क्योंकि हुकूमत क्या इस साल स्कूलों को शुरू करेगी या नहीं अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया और अब भी किसी ठोस नतीजे पर हुकूमतें नहीं पहुंच पाई है। मरकजी हुकूमत ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को शुरू करने का फैसला रियासतों को दिया है और अब रियासती हुकूमत ये कह रही है कि बच्चों के वालिदैन से मशवरा किए बगैर स्कूलों को शुरू करना मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ स्कूल बंद या शुरू से बच्चों का कितना फायदा या नुकसान का मसला नहीं है बल्कि कई सैकड़ों निजी स्कूलों में मुलाजमत करने वालों की रोजी रोटी का सवाल है। सरकारी स्कूलों में तगड़ी तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा टीचर्स इत्मीनान से हैं क्योंकि इनके अकाउंट में वैसे भी तनख्वाह आ ही जाती है, पर उन छोटे या निजी स्कूलों का क्या जहां बच्चों की फीस पर स्कूलों के अखराजात चलाए जाते हैं। लाखों बच्चों की पढ़ाई का नुकसान जिस तरीके से कोरोना दौर में हुआ है इसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इल्म का नुकसान गोया माशरे का नुकसान है। बच्चे ही तो माशरे का मुस्तकबिल होते हैं। अक्सर यह भी देखा जा रहा है कि स्कूलों के बंद होने से बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों के बड़े कारोबार तिजारत या बड़ी कंपनियों में मुलाजमत करते हैं या जिनकी आमदनी बेहतर है, इनके ज़्यादा फर्क ना पड़ा हो लेकिन गरीब मिडिल क्लास के लोगों को ज़बरदस्त मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ स्कूल वालों ने तो स्कूल बंद होने के बावजूद भी फी के लिए वालिदैन के मोबाइल पर मैसेजेस को भेजना शुरू किया हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई कामयाब तरीका नहीं है जब बच्चे उस्ताद की मौजूदगी में जिस तरह से इल्म हासिल करते हैं मोबाइल के जरिए बहुत मुश्किल है। वालिद काम पर जाते हैं तो अक्सर घरों में माओं का पढ़ना लिखना नहीं होता, ऐसे वक्त में बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे तो कैसे करे। दूसरी तरफ कितने गांव में बिजली रहती है या नहीं, इंटरनेट की रफ्तार यानी कि स्पीड इंटरनेट की है या नहीं, शहरों में फिर भी ठीक है पर गांव देहात में पहले एंड्रॉइड फोन का रहना ही बड़ी बात है। ऑनलाइन पढ़ाई तो दूर का मामला, शहरों में स्कूलों को बंद होना गोया सैकड़ों ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनने के बराबर है। बच्चों को स्कूलों की वर्दी करने से हजारों ऑटो ड्राइवर की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और पिछले 6 महीनों से इन्हें काम नहीं है। ऑटो वालों की जिंदगी इन्हीं 3 पहियों पर गुजरती है पर हुकूमत इनकी तरफ भी तवज्जो नहीं देती। दूसरे गांव से मुसाफिर बेलगाम शहर में आते हैं तो इनका गुजारा होता है, जाहिर है कोरोना आलमी वबा की वजह से दीगर गांवों से लोगों का आना काफी कम हुआ है। हुकूमत लाखों करोड़ों के पैकेजेस का ऐलान तो करती है पर गरीब मजदूर तक नहीं पहुंच पाते। अब जब इन गरीबों को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल हो तो कहां से स्कूलों की फीस अदा करेंगे। अब तो कुछ लोगों ने बिना इम्तिहान के बच्चों को पास करने का मुतालबा किया है, पास करने का मुतालबा हुकूमतों से किया हुआ है और हो सकता है कि हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम भी कर ले क्योंकि हुकूमत का कहना है कि कोरोना आलमी वबा अभी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब इस साल स्कूलों को बच्चों का जाना काफी मुश्किल लग रहा है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत वाकई इस साल बच्चों को यूं ही कामयाब करेगी यानी कि पास करके अगले क्लास में भेज देगी या अक्टूबर के बाद स्कूलों को शुरू करने का फैसला सुनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।